ये चाहूंगा कि प्रोजेक्ट किस तरह का, क्या थीम है और जो रोल निभा रहे उसका बताइए सर। वो ऐसे माइक लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूंगा प्रोड्यूसर जी का, जिन्होंने इस लायक मुझे समझा, इस फिल्म में ऐसा किरदार उसे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म ये है लखनऊ में, बेसिकली लखनऊ के कल्चर को बेस्ड है, लखनऊ की तहजीब, वहाँ का खाना, वहाँ की इमारतें, वहाँ का जो एक हिस्ट्री है, वहाँ की जो इतिहास है वहाँ का, उस चीज़ को हम कैमरे पर लेके आ रहे हैं इस फिल्म के जरिए। उसने एक अहम किरदार है मेरा, का उत्तर प्रदेश के एक शहर का है, बनारस का, करने बनारस आता है, नौकरी करने बनारस से लखनऊ आता है, और वहाँ के वहाँ की चकाचौंध और वहाँ की जो तहजीब करनी, जो वहाँ की जो खान पकवान है, वहाँ की जो टेस्ट है, उसको देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है उसको, मतलब एक इन्वायरमेंट जो है अपने घर ऊपर से जो बाहर आता है ना, वो चीज़ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वही एक मौज मस्ती लखनऊ की तहजीब, खाना पीना, वहाँ मैम भी आपसे जानना चाहूँगा आपके कंटेंट क्रिएट के बारे में, क्या रोल है और कितना उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मीडिया एंड माई सेल्फ की, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस मूवी का नाम है लखनऊ मेरी जान, तो ये सारी फिल्म लखनऊ पे बेस्ड है, इसके कल्चर पे। और सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर जी का थैंक यू करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस फिल्म में चांस दिया है, तो आई होप कि मैं इसमें अपना बेस्ट दूँ और सभी को ये फिल्म पसंद आए। और ये पूरी फिल्म कॉमेडियन है, तो इसमें कॉमेडियन प्लस वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो खाना, रहन सहन, एवरीथिंग इस के जरिए हम लोगों तक दिखाएंगे कि लखनऊ में क्या है, क्या कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, क्या वहाँ का खाना है, तो ये सारी चीज़ें हम उसके फिल्म के जरिए हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सर आपसे चाहूँगा पहले जो प्रोजेक्ट किया, क्या आपका बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में बताइए। बिल्कुल, इसके पहले मैंने 5 म्यूजिक एल्बम किए हैं, एक वीकोरियो के लिए किया है, एक जी चैनल के लिए किया है, और 7 शॉर्ट फिल्में किए हैं एज ए इंडिपेंडेंट लीड रोल है। म्यूजिक एल्बम के अलावा जो शॉर्ट फिल्में की हैं उसमें मैंने अलग अलग कैरेक्टर को भी प्ले किया है, एक एक शॉर्ट फिल्म में मैंने एक पंजाबी का भी रोल किया है, एक गाँव के देहाती का भी रोल किया है, एक मुस्लिम नवाब का भी रोल किया है, और एक दिल्ली के एक मॉडर्न लड़के का भी रोल किया है। एक ही फिल्म में चारों कैरेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक टाइम पे हम कैसे अपने माइंड से, अपने अभिनव से उसको बदल सकते हैं, इस तरह के शॉर्ट फिल्में किए हैं, और रोमांटिक भी किए हैं, सैड भी किए हैं, सैड इन द सेंस कि इंसान जब हर चीज़ से टूट जाता है, परेशान जाता है, तो वो अंत में क्या करता है, अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करता है, या कोई प्रेरणा उसको मिलती है, उस मतलब एक तिनके को, डूबते को तिनके का सहारा, तो ऐसी शॉर्ट फिल्म भी की हैं। एक शॉर्ट फिल्म मैंने ऐसी की थी, एक नाम तो नहीं लूँगा, बड़े एक्टर की कहानी है, मतलब आप एक ऊंचाई पर पहुँचने के बाद आपको इग्नोर किया जाता है, तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, या आपको काम से हटा दिया जाता है, तो अंत में वो सुसाइड कर लेता है। तो एक शॉर्ट फिल्म मैंने ऐसी की है कि काम मिलने के बाद जब आपको लोग इग्नोर करते हैं, आपको काम से हटा देते हैं, उसका असर है वो अकेलापन होता है, डिप्रेशन होता है, उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि आप अपनी जिंदगी खो देते हैं या खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की शॉर्ट फिल्में की हैं, बहुत अच्छा लगा इस फिल्मों में काम करके। मैम आपसे नहीं चाहूँगा, आपका क्या प्रोफाइल है, पास में जो किया उसके अनुभव बताइए। बहुत जल्दी नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, बट जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया है उसमें मैंने कुछ म्यूजिक एल्बम किए हैं, लाइक पंजाबी बॉलीवुड सॉन्ग, एंड मैंने वेब सीरीज किए हैं MX प्लेयर पे, नेटफ्लिक्स पे, एंड कुछ शॉर्ट फिल्म किए हैं मैंने, और दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि प्रोड्यूसर सर ने मुझे इसमें चांस दिया, तो मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा। उस पर आप बताइए क्या करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, और क्या रोल निभा रही हैं आप इसमें? आज तो मैं सिर्फ आशीर्वाद दे रही हूँ हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे बेटे को, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ये फिल्म बने और सफलता को चाहिए। हमें सर आप बताइए क्या करना चाहेंगे आज के सर आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं और 90s में आपने जो बनाए सक्सेसफुल फिल्म, कितना आपको नजर आ रहा है कि आज के प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा डेप्थ आपको नजर आ रहा है? जो
मेरे ख्याल से फिल्म ऐसी हो क्या जिसको हम फैमिली के साथ देखा होगा उसको, ये मेरी सोच, हर आदमी की सोच अलग हो सकती है, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, तो आज और कल में कुछ नहीं होता है, फैमिली पहले आज भी फैमिली कितनी भी मॉडर्न हो जाए तो कोई लंबी फिल्में अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकती है, तो इसलिए मैं मेरा अपना सोचना है कि फिल्म साफ होनी चाहिए, इंटरटेनर होना चाहिए, लोगों को एक मैसेज होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि हम यूनिटी या जिंदगी के जरिए ही मैसेज दे सकते हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, ये सोच मैं किसी पे लादना नहीं चाहती, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि एक अच्छा, क्योंकि अभी हमें जितनी 10 फिल्में बनाई 10 के लिए सोच हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, एक फिल्म अभी मेरी कम्प्लीट है, ये होती है वो भी कंप्लीट है, उसके बाद मेरी फिल्म मेरी जा रही, तो मैं फैमिली टाइप काम करता हूँ, आगे भी करूँगा, और ये फिल्म जैसा कि नाम से जाहिर है ये है लखनऊ मेरी जान, तो इसमें मेरे ख्याल से कहानी लखनऊ की होगी, तो लखनऊ में जो होगा तहजीब के अंदर ही हर चीज़ दिखाया जाएगा, और मैं ज़्यादा मालूम कहानी के बारे में नहीं है, लेकिन नाम से ही जाहिर है कि एक कॉमेडी वहाँ का इंटरटेन वहाँ का मजाक वहाँ की तहजीब वहाँ की नज़ाकत दिखाएंगे, और मेरी शुभकामनाएँ मेरा आशीर्वाद हीरो हीरोइन और पूरी टीम के साथ है, और मैं सबको दुआएं देता हूँ कि फिल्म बहुत कामयाब हो, लोगों को मज़ा आए, लोग देखें इंजॉय करें। थैंक यू सर।